बहुत ही प्यारा और सुंदर व्यू चेक करो यहाँ का। ये पहाड़ी पर ही बना हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, चढ़ चढ़ कर थक गया हूँ मैं। ओके अभी देख सकते हैं, अभी हम सीढ़ी चढ़ के आ गए हैं, ये पहाड़ी पर जा रहा हूँ, जो सीढ़ियाँ है ना सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए हैं। ये रेड रेड सीढ़ियाँ आप इस टाइप की देख सकते हैं भाई, ये सीढ़ियाँ तो मतलब राउंड बाई राउंड बनी हुई है, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा एंड यहाँ से आप सिटी का व्यू भी देख सकते हो भाई। कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पर है ना। ऊपर चलते हैं फिर जोगमाया माता के दर्शन भी करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं और मंदिर कैसा बना हुआ है, कितनी ऊंचाई पर बनाया हुआ है वो भी चल कर देखते हैं। एंड यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ये आप चेक कर सकते हो भाई, ये देखो। एंड ये एक मंदिर बना हुआ है जो मैं ज़्यादा टाइम आपको बताऊँगा, ये मंदिर मैं आपको बता दूँ ये पूरा मार्बल का बना हुआ है ना, ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। अब बोल रहे हो कि बार 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 अपना फेस दिखा रहा है गाइस, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ है ना, सीढ़ियाँ तो दिखा नहीं सकता। एंड एक चीज़ आप देख सकते हो मेरे पीछे, वो बैकग्राउंड व्यू आ रहा है ना वो देख रहे हो, बहुत ही प्यारा और सीढ़ी का व्यू आ रहा है। एंड यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, चढ़ चढ़ कर थक गया हूँ मैं। का क्या व्यू आ रहा है, अभी मैं पहाड़ी पर हूँ, पहाड़ी पर भी है पेड़ पौधे लगाए हैं, ग्रीनरी हुई है यहाँ पर, ये प्यारे प्यारे सुंदर से यहाँ पर फूल हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। अब ऊपर चलते हैं, आइस थक चुका हूँ, आप बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ ना। ये देखो बाड़मेर में सिटी में पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर ये बना हुआ है ना, तो भाई देख सकते हो आप, अगर कभी आओ तो माता जोगमाया के दर्शन भी जरूर करना और इस पहाड़ी पर आना, बहुत ही सुंदर पहाड़ी है, यहाँ से आपको सिटी का व्यू बहुत प्यारा आएगा ना, ये चेक कर सकते हो भाई। भाई बहुत ही प्यारा सिटी का व्यू आ रहा है। एंड अभी मैं आपको बता दूँ एक बात जो मैंने बहुत बार नोटिस की है, जब वेदर अच्छा होता है ना, बादल होते हैं ना, तो मेरे मोबाइल की क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, जिस पर मेरे को प्राउड फील होता है कि हाँ अच्छा है, ये 15 प्रो है, बाकी गर्मी में इतनी नहीं रहती गाइस। एंड यहाँ पर ये इस टाइप का ये छत बनी हुई है, रूफ बनी हुई है, यहाँ पर पानी भर के रखा हुआ है ताकि पक्षी वगैरह आए वो पानी पी के यहाँ से जाए ना? और ये चीज़ मेरे हिसाब से धार्मिक स्थलों पर होनी चाहिए जरूर। एंड यहाँ पर मटके भी रखे हुए हैं ताकि कोई श्रद्धालु आए तो वो पानी पी के जाए, है ना। पता है वो मटके क्यों रखे हुए, क्योंकि ये सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा है, ऊंचाई पर बना हुआ ताकि तो कोई थक जाए तो पानी पी सकते हैं, पर मैं नहीं थका है ना, मैं इस पल को इंजॉय करता हुआ आ रहा हूँ, थक भी चुका हूँ। एंड मतलब इतनी में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटी फैली हुई है, और उसके फिर आगे आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से, इसलिए यहाँ को थार की नगरी भी कहा जाता है ना। व्यू चेक करो यहाँ का, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा, मैं थक चुका हूँ। मैं आपको कुछ और भी नहीं बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर के स्थान पर बहुत सारी ऐसे होटल के अंदर नील बांधा हुआ है, पता नहीं क्यों बांधा है, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट मुझे बता देना, पर मेरे को अंदाज़ा नहीं है ना, पता नहीं क्या है। तो अभी पहुँच चुके हैं टॉप के ऊपर, भी टॉप ऊपर से ऊपर जा रहे हैं गाइस, मंदिर बहुत ही प्यारा और सुंदर बना हुआ है। ये भी आए थे यहाँ पर कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला आपका चैनल बता दो, तो उनको चैनल बताया है, क्या लगता है लाइव पर देख पाएंगे, हमें झेल पाएंगे लगता नहीं, पर देखते हैं गाइस। एंड मंदिर जो है ना दो कलर से बना हुआ है, वाइट एंड रेड, और यहाँ पर अभी रैंप लगाई हुई है, पीछे नहीं लगाई हुई थी यहाँ पर लगाई हुई है, और ऊपर वो मंदिर दिख चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये मार्बल से बना हुआ है ना गाइस, जूते उतारते हैं नीचे, चलते हैं ऊपर, होंगे इसका व्लॉग खत्म नहीं हो रहा, ये कब मंदिर में पहुँचेगा, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप आओ और ये देखो, बहुत ही प्यारा मंदिर है, और चेक करो ना सिटी का व्यू भी बहुत प्यारा आता है, पहाड़ी पर बना हुआ है, एक एक दो बने हुए मेरे हिसाब से, है ना भाई। आज का ये व्लॉग है, आज नाइट को निकल जाएंगे जोधपुर, फिर आपको जोधपुर के कुछ यूनिक स्थान बताएंगे आपको, है ना गाइस। पर वो मंदिर का एंट्रेंस है, एंट्रेंस गेट है जो पूरा मार्बल का बना हुआ है। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर, ये मंदिर का परिसर है, ये देख सकते हो यहाँ पर, और ये बहुत ही प्यारा और सुंदर सा मंदिर है। अब ऊपर जाकर माता के दर्शन करते हैं एंड आपको भी दर्शन कराते हैं गाइस, चेक कर सकते हैं बहुत ही प्यारा और यूनिक मंदिर बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं गाइस, यहाँ से ऊपर होते हुए जाएंगे, चलते हैं एंड दर्शन करते हैं गाइस, आपको भी दर्शन कराते हैं। पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर, ये मंदिर का एंट्रेंस है कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर डीजे वगैरह भी लगे हुए हैं भाई, सिटी का व्यू जब इतना ही प्यारा आ रहा है। और चलते हैं इनके, चलते हैं माता के दर्शन करते हैं, आपको उधर आते हैं ना, चक्कर से इस टाइप का कुछ मंदिर है, और यहाँ पर ठहरने का स्थान है, वहाँ पर ब्याह हुआ है।
तो अभी मैं मंदिर पहुँच चुका हूँ, माता के दर्शन कर लिए। यहाँ पर फोटो लेना अलो नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग अलो नहीं, इसलिए मैं कर नहीं पाया। पर आप यहाँ पर सिटी का व्यू दे सकते हैं गाइस, यहाँ से बहुत ही प्यारा और सुंदर स्थान है। पूरा ज़्यादातर ये मार्बल का बना हुआ है ना, जो भी यहाँ पर सिनेटॉप बनाए हुए हैं जो अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आप सिटी का व्यू चेक कर सकते हैं गाइस, बहुत ही प्यारा और यूनिक आ रहा है। और ये ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का मंदिर का, ऊपर से देख रहे कितना ही प्यारा लग रहा है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मंदिर कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है ना। एंड चलते हैं, एंड यहाँ पर पहाड़ भी बने हुए हैं। यहाँ लड़का बैठा हुआ है, यहाँ पर चल के आपको दिखाते हैं गाइस। ये पहाड़ी पर ही बना हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो गाइस, पहाड़ को काट काट के उसके ऊपर मंदिर बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा और सुंदर है। एंड गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ बनी हुई है ना। और ये बाड़मेर सिटी है। अब माता जोग माया के हम दर्शन कर ले गाइस, बहुत ही शांति मिली, बहुत सुकून मिला है ना। अब आपको यहाँ का व्यू चेक कराते हैं। एंड यहाँ से आप चेक करो गाइस, ये जो पहाड़ है ना आपको कम लग रहे, मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है क्योंकि अभी ये वाइड एंगल चल रहा है ना। तो ये चेक करो यहाँ से, ये देखो इतना बड़ा है ये। और यहाँ का व्यू आप चेक कर सकते हो गाइस, बाड़मेर सिटी का। एंड यहाँ पर हमें कुछ बच्चे मिले जो उन्होंने हमसे चैनल पूछा, इनको मैंने बताया है। तो ये भी ब्लॉग में आ जाकर देखना है ना, है ना। मैंने आपको ये वाला सीन दिखा दिया, पर आप ये देख सकते हो ये जो बना हुआ है पूरा मार्बल का बना हुआ है। यहाँ से आप सिटी का व्यू बहुत ही प्यारा ले सकते हो भाई, यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आने वाला है, मैं भी तगड़ा आने वाला हूँ मेरे को लगता है ऐसे। आप यहाँ से चेक कर सकते हो ना पीछे व्यू का, सिटी का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सिटी आ रही है। एंड इसमें हवाएं बहुत ठंडी आ रही है ना। एंड ये संगमरमर का बना हुआ है ना, वाइट वाइट इसके अंदर वाइट ग्लास भी, वाइट बल्ब भी लगा है ना। और मंदिर जो है बहुत ही प्यारा दिख रहा है गाइस। मैं आपको दो तीन बार बोल चुका हूँ, अभी बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है जो इस स्थान पर जरूर आना, बाड़मेर आ रहे हो तो बहुत ही आपका मन है ना मोहन हो जाएगा, रियली बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा स्थान है। एंड यहाँ से आप सिटी का व्यू देख सकते हैं ना। तो भाई के चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कीप सपोर्ट आ जाओगे व्लॉग के अंदर अब, है ना भाई। अभी आप मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं ना, वो बच्चे बोल रहे थे हमें आपके व्लॉग में आना है, तो मैंने व्लॉग बना लिया, वो देखेंगे जरूर भाई। भाई मतलब बहुत, चैनल का नाम क्या है? 46 व्लॉग्स। किस भाई मंदिर से बाहर निकल चुके हैं, बच्चों को भी ले लिया व्लॉग के अंदर और उन भाई को भी ले लिया। कैसा लगा आपको बाड़मेर सिटी का व्यू? बहुत ही ज़्यादा ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ पहाड़ी पर। एंड सो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी वीडियो भी नेक्स्ट डे आप जरूर पहुँच चुके ना। और कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और जिस लोकेशन के बारे में आपको चाहिए मैं राजस्थान ट्रिप करूँ, जिस में राजस्थान में कुछ भी लोकेशन देखना हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके लिए बनाऊंगा ना व्लॉग। गाइस बच्चे बैठे हैं, वो फिर से व्लॉग में आ रहे हैं ना।